हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं किचन से, और यहां पे बन रहा है जी कोरमा। और आज आए हुए हमारे मेहमान मामू आया है मेरा, आज फर्स्ट टाइम हमारे घर पे फर्स्ट टाइम। रिश्तेदार है तो आते हैं ना, जो सामने आते हैं उनको हम दिखा देते, जो नहीं आते तो आपको पता ही है, तो उनसे भी मिलवाते हैं। और यहाँ पे उनके लिए खाना रेडी हो रहा है। पहले यहाँ पे कोरमा रेडी होगा, फिर यहाँ पे चावल रेडी होंगे, फिर रोटी रेडी होगी, फिर अच्छा सा खाना जो है ना रेडी होगा, रायता वायता। हाँ, रोटी बाहर से, चलो कोई बात नहीं, गर्मी है। और ये देखो, इसलिए दुपट्टा भी नहीं लिया, क्योंकि फिर आप लोग बोलते कि किचन में दुपट्टा भी नहीं मैं अवश्य लेती। गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज्यादा, अपने घर में तो रिलैक्स होकर इंसान ऐसे ही काम करता है ना। आप भी मेरी अपनी फैमिली हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, बात। और आज माशाल्लाह से चिकन जरा ज्यादा बन रहा है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। ऐसी बात है, आपको पता, फिर अम्मी लोग हैं, हम लोग हैं, फिर आपको पता बच्चे भी हैं हमारे खाने वाले। तो यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया और मेहमान गए हुए जरा दूसरे घर पे और आने वाले हैं हमारे घर पे, और बच्चे अंदर सो रहे हैं। टाइम हो गया यहाँ पे जी 6:30 हो गए और बच्चे अंदर सो रहे हैं। बच्चे अंदर कौन कौन सो रहे हैं दिखाते हैं आपको। यहाँ पे माशाल्लाह जी खुशी सो रही है, देखो मजे से सो रही है। और यहाँ पे सो रहे हैं एलेक्स, दोनों सो रहे हैं। और दुआ गई हुई है अम्मी लोगों के साथ, यहाँ अम्मी लोगों के साथ ही गई हुई है। ये आलू हमेशा की तरह हमेशा की तरह 3-4 आलू बच्चों के लिए ऐड किए जाएंगे इसके अंदर। ये बच्चों के लिए वो है, दो आलू है सिर्फ, ज्यादा लग रहे होंगे बड़े आलू। हाँ, तो आज अम्मी की छुट्टी भी थी तो मैंने बोला चले, हम लोग पहले गए हुए थे कहीं बाहर, तो मैंने बोला चले आज का व्लॉग भी करते हैं, शुरू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी एक्टिविटी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करते रहते हैं। और मौसम हो गया थोड़ा सा ठंडा, फिर अभी जाएंगे ऊपर, मेहमानों को ऊपर ही लेके जाएंगे। जी हाँ, ऊपर लेके जाएंगे। खुशी अभी सो रही है, अभी उसके सोते में सारा काम वाम कर लूंगी। आज मशीन लगानी थी, टाइम ही नहीं मिला, काम इतने होते हैं। जाहिर बात है घर में मैं अवश्य माशाल्लाह से बहुत काम करती है, बहुत ही काम करती है। मेहरबानी क्या मतलब है, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो है, इसलिए मैं कह रही थैंक यू सबके सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, चले जी आगे कंटिन्यू रखते हुए लोग आपके साथ। यहाँ पे अम्मी भी आ गई है, तो मिले अम्मी से। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब कहती होंगे, मैं भी आपकी दुआ में ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। तो मेहमान लोग पहुँच चुके हैं सही सलामत अपने घर पे, तो आप खाना बनाया ये और अम्मी का भाई आया है ना। हाँ, मेरा भाई आया, पहले आपको दिखाया था ना, छोटा मोटा मतलब थोड़ा सा हल्का फुल्का नाश्ता करवाया था, तो अभी मेहमान ने खाना बनाया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी। और यहाँ पे मेरा बेटा भी उठ गया, ओए ओए माशाल्लाह, अभी रेडी हो रहा है, अभी फ्रेश हुआ है। एलेक्स लाइक करो, फॉलो करो, अभी कपड़े नहीं गंदे करना, अभी अभी मूड नहीं है। लाइक करो, फॉलो करो, लाइक फॉलो, ये मूड होता है उसका, लाइक फॉलो का बड़े स्टाइल से, चलो वो किसी की तरह से, और लाइक करो, फॉलो करो। और यहाँ पे जी हमारे चावल भी रेडी हो गए तकरीबन। हाँ, बस लगेगा खाना। और ये कोरमा रेडी हो गया। हाँ, ओ वाओ, तो ये हल्का सा ग्रेवी वाला स्पीड रखा है मैंने, क्योंकि चावल पे भी डाल सकते हैं ना आसानी से। चले जी, तो ये अभी लगेगा खाना, रोटी। और रोटी महवेश ने बोला था कि बाहर से आने। हाँ, मैंने कहा बाहर से, क्योंकि गर्मी भी कुछ हो रही थी, वैसे भी कोरमे के साथ बाहर की रोटी अच्छी नहीं, तो गर्मी इतनी थी तो मैंने सही। चलो निकाल लो और ऊपर आ जाओ। जी आ गए हम लोग छत पे, ठीक है। और यहाँ पे मामू आया हुआ है, सही है, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो में भी है। और यहाँ पे हमारी मामी भी आई हुई है, और यहाँ पे छत पे बैठ के हम लोग खाने खाना, और आज हमारा डिनर हो रहा है महवेश छत पे। तो चले जी खाना स्टार्ट करते हैं, फिर खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। जी फाइनली यहाँ पे महवेश ने लगा लिया मशीन, मेहमान तो हमारे चले गए थे जैसा आपको दिखाया था, मामू लोग आए थे, और मामू लोग आए थे फर्स्ट टाइम इस घर पे, फर्स्ट टाइम आए, वैसे मुलाकात वहाँ पे हो चुकी है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए। हाँ, इस घर में फर्स्ट टाइम है, क्योंकि वो दूर रहते हैं, दूर कहाँ रहते हैं, लियारी। हाँ, तो कपड़े काफी सारे जमा थे, मैंने सोचा मेहमान आने वाले तो उससे पहले पहले मैं जो है ना कपड़े वगैरह कर दूँ फिनिश, तो उससे पहले फिर अब मैं बिजी हो जाऊंगी, फिर आपको पता है फिर अंदर आना जाना बाहर ये वो, तो इसलिए मैंने बाजी लोग आ रहे हैं ना, बाजी लोग भी आ रहे हैं, और कपड़े काफी सारे जमा हो रहे थे, अभी साथ साथ वो करती रहूंगी, कोशिश करूंगी कि जमा ना हो। और यहाँ पे कपड़े धुल गए और अभी जाने लगे हैं ऊपर, छत पे जा रहे हैं, और कुछ पैंटे जो कलर वाली थी वो भी डाली, देखो कलर उनका कैसा ब्लैक ब्लैक।
पैंटों ने कलर छोड़ दिया भाई। नहीं, वो ब्लैक पैंट थी ना, उसका कलर उतरता है। मैं ब्लैक पैंट का कलर उतरता है और देखो उसकी हालत क्या हो गई है। उसकी हालत नहीं, पानी काला हो गया। पानी काला हो गया, अभी कपड़े खत्म हो गए, बस वही पैंट उसके अंदर डाली हुई है। तो अभी चलते हैं ऊपर। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं। और धूप भी बड़ी कड़क हो रही है। अभी जल्दी से कपड़े डाल देंगे और सूख जाएंगे। चलो, मेरी चप्पल कहाँ? वो रही पहनो। और बच्चे अंदर लेटे हुए हैं और ये बेडशीट भी धो दी है। ये बहुत अच्छी निकली है, इसका जरा भी कलर नहीं। और यहाँ पे जो है ना, बच्चे लेटे हुए हैं, ये देखो दोनों सुकून से, कूलर चल रहा है और गर्मी के अंदर जो है ना सुकून से बैठे हुए हैं। और अभी चलते ऊपर की तरफ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। महवेश ने कपड़े वपड़े धो लिए, सारा काम ख़त्म कर दिया, बेडशीट भी चेंज होगी जैसे आपको बताया था। बेडशीट सारा काम कंप्लीट, और ये कंबल भी छाया हुआ है और मैं फ्रेश हुआ हूँ थोड़ा। काफ़ी गर्मी है, कराची में भी काफ़ी गर्मी हो गई है। और यहाँ पे अभी मैंने इनको ला कर दिया बर्गर, ये कर रहे हैं एंजॉय। और कमेंट्स आए थे कि एलिस बहुत बदतमीज़ है, किसी का कमेंट्स आया था, ये बेटा मेरा इसको ऐसे नहीं बोला करो, ठीक है, ये बदतमीज़ नहीं है। वैसे छोटे बच्चे हैं वो तो, हाँ अंडा खाओ खाओ, माशाल्लाह खा रहे हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं तो फिर वो बदतमीज़ तो नहीं होते, उनको बस थोड़ी सी समझ नहीं होती। छोटे उनको बोलते क्यों हैं? बस जिसने बोला है, मैं कहती हूँ वो बचपन में उसने कुछ किया ही नहीं होगा, वो एक जगह पे बैठा रहा होगा, तो बच्चे खेले नहीं तो उनको बच्चे कौन बोले। और वही हमने व्लॉग कंटिन्यू रखा है, और मेहमान आए हुए थे उसके बाद वो तो हो गया। और यहाँ पे आज हमारे घर पे बन रहा है जी सालन। कौन सा बन रहा है? आलू बैंगन, जो मुझे पसंद नहीं है। आलू बैंगन, और जो मुझे बहुत मेरे पसंद है, और वो बन रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ महवेश खड़े खड़े बर्गर भी खा रही है और मुझे चेक तक नहीं करवाया। देखो अभी अभी बोलो, अभी बोल रही खा लो, तो मैं चेक करता हूँ, एक बाइट लेता हूँ मैं भी कैसा बना। अच्छा हाँ, स्पाइसी है। बैंगन का आटी है, मुझे पसंद नहीं है, मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊंगा अभी। चलो देखते हैं अपने लिए कुछ और ऑर्डर करती हूँ। और महवेश कल दो तीन शर्टें लेके आई थी, आज महवेश ने फिर न्यू शर्ट पहनी हुई है ना। कपड़े देखे तो सारे गीले हो गए, गीले हो गए थे ना। और फ्रिज बंद कर दिए, शाम के टाइम में बंद कर देते हैं। चावल वावल नहीं पड़े हुए? चावल पड़े हुए हैं, फिर हम थोड़ा सागर को भी दे दो, उसको भी भूख लगी। किस वाले में? इस वाले में खराब तो नहीं हुए ये जी, जबरदस्त खुशबू आ रही है इसको, दाल चावल के साथ जो है ना, और दाल के साथ खाएंगे। मैं इसके अंदर नहीं करने, इसको हटाओ, यहीं पे करेंगे। चलो जी, मैंने बनाना था खाना, ये बंदा अपने लिए दाल चावल गर्म करने लग गया है। तो वही मैं कह रही, जब इंसान को लगी होती है भूख तो बस पेट जो है ना इंसान को मजबूर कर देता है चूल्हे पे जाने के लिए। तो ये देखो यहाँ दाल गर्म हो रही है। दाल चावल यकीन माने हमारी फ्रिज में पड़े रहते हैं, क्योंकि हमारे फेवरेट दाल चावल। हाँ तो ये लोग खाए रहते हैं दाल चावल, दाल चावल पड़े रहते हैं। जाओ तो वहाँ ना ऊपर जाओ, तो बच्चे भी नीचे। तो मैंने बोला चलो उसमें तो बनने में टाइम लगेगा, जब तक हल्का फुल्का फिर कर लेते हैं फिर बाद में। हाँ बस मैं देखो गंद कितना आ रहा है, आलू बैंगन खा रही थी। इंसान को करनी चाहिए खाने के लिए, तो बंदा खुद तो कर देता है। सही बात, ये बात तो है। तो बस यहाँ पे दाल भी गर्म हो रही, देखो आधे अधूरे प्याज है, इनको मैं लाइट ब्राउन कर रही थी तो ये अधूरे ही रह गए। चलो ले जाओ फिर ऊपर ले जाओ गर्म करके अपने लिए, सागर के लिए, और मैं अभी खाना बना के आऊंगी। पर सही बस यही तो मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा, व्लॉग को एंड करूंगा, व्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अच्छा जी हाँ, क्योंकि कल से हमारा जो व्लॉग है ना कंटिन्यू चल रहा है आप लोगों के साथ। तो आपने बहुत सारा देना है हमें प्यार, तो हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और बहुत सारा देना है प्यार। आप लोग पूछ रहे थे कि महवेश की बहन पंजाब रहती है, कराची रहती है, और महवेश की बहन रहती है कहाँ पे? कराची पे रहते हैं, और मैं भी कराची की, मैं पंजाब की नहीं हूँ। और शादी पे जाएंगे? जी हाँ जाएंगे, जी हाँ। तो ये देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये जो है ना ऊपर जाने की तैयारी में है। तो बाय कर दो, बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़, बाय। चलो जी, यहाँ पे मैंने चावल खाए हैं, बड़े ज़बरदस्त ही दाल चावल थे, और टाइम भी काफ़ी हो गया, और व्लॉग का यहाँ पे करते हैं हम लोग एंड। तकरीबन 8:30 हो रहे हैं, 8:21 हो गए, और अभी मैं जाऊँगा वीडियो अपलोड करूँगा। और कपड़े देखे आज महवेश ने कितने धोए, मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, बहुत सारे कपड़े धोए महवेश ने।
ये देखे सारे कपड़े 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 कपड़े, वो सारे कपड़े नजर आ रहे हैं। और वो बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे सागर बैठा हुआ है। शाम के टाइम हम लोग ऊपर आ जाते हैं ताकि जो है ना ठंडी ठंडी हवा आती रहे, इसलिए हम लोग ऊपर आ जाते हैं शाम के टाइम ताकि सुकून हो जाता है ना। गर्मी है लग नहीं रही, गर्मी है। हाँ बस ऊपर चले जाए, पर यहाँ पे सालन रख दिया, बस बन जाएगा और फिर देखते हैं रोटी अगर होटल से लेके आनी होगी तो होटल से ले आएंगे। गर्मी भी बहुत है वैसे, गर्मी भी बहुत है। तो कल इंशाल्लाह कोई अच्छा व्लॉग बनाएंगे आपके लिए, ठीक है? और अच्छे व्लॉग तो आगे आगे आने वाले हैं ना, फिर वैसे आगे आगे तो आने वाले हैं, अच्छे अच्छे व्लॉग ही आएंगे। चले जी, आज का व्लॉग करते हैं हम लोग यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को करना अपने सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, बहुत सारे दे रहे हैं कमेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज, बाय। कैसे बाय? स्मेल तो करो, स्मेल बाजी को बोलो। हाँ बाजी करती है ना स्मेल, आने वाली है बाजी, वो आ जाएगी तकरीबन। ठीक नहीं है गर्मी की वजह से, काफी उनकी तबियत खराब हो गई, तो बस अभी दुआओं में याद रखना, बस बेहतर हो। आज मैं गया हुआ था और खाना बनाते लेट हो गए, वैसे खाना तो हमारा लेट ही बनता है ना, खाना लेट बनता नहीं, खाना मैं जल्दी बना लेती, फिर मैं ऊपर चल जाती, गर्मी हो जाती है ना इसलिए। तो आज गया हुआ था, काफी देर से आया, तो अभी ये सामान लेकर आया, तभी मैं बनाया, अभी 8:30 हो रहे, 8:30 हो गए। और यहाँ पे करते व्लॉग करना, अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को करो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।